उन्होंने बताया कि स्पोर्ट्स का एक ताल्लुक इंसान को करने के लिए, मैं इसलिए जोर देता हूँ कि स्पोर्ट्स का ताल्लुक इंसान की ओवरऑल डेवलपमेंट से भी है। तो अजमुस्ल ने फरमाया कि जब आप लोग फिजिकली स्ट्रॉन्ग होकर सब्र का या तहम्मुल का या बर्दाश्त का नमूना दिखाएंगे तो वो एक वजह तबलीग की भी एक बहुत बड़ी वजह बनेगी। हज़रत हमज़ा जो थे उनके लिए अजमुस्ल फरमाते हैं कि आज सलम ने दुआएँ बहुत की होंगी कि मुसलमान हो जाएँ, सदक़े भी दिए होंगे, सब कुछ किया होगा लेकिन वो मुसलमान नहीं हुए। लेकिन कहते एक वाक़या था जिससे वो जो उनके जिसने उनके दिल पर बहुत गहरा असर किया और उसकी वजह से वो मुसलमान हुए। वो ये था कि एक दफ़ा हज़रत हमज़ा शिकार करके जब वापस आ रहे थे तो घर जब वापस आए तो आपकी जो एक खादमा थी पुरानी वो रो रही थी बैठी हुई। तो उन्होंने कहा कि क्या वजह आप क्यों ऐसे रो रही हैं? उन्होंने कहा कि आपके तुम बड़े बहादुर बने फिरते हो, तुम्हारे भाई को किसी ने आज मारा है, मतलब हाथ उठाया उस पर। तो उस पे हज़रत हमज़ा ने पूछा किस पे? उन्होंने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। हज़रत हमज़ा ने पूछा फिर कहते फिर मोहम्मद ने क्या कहा जवाब में? तो उसने कहा, उसने कुछ भी आगे से कोई जवाब ही नहीं दिया, कुछ भी नहीं कहा। तो ये चीज़ ना हज़रत हमज़ा को बड़ी सख्त दिल को उनके पे कहते ना लगी जाके। तो वजह क्या थी? हज़रत हमज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन के दोस्त थे और उनको पता था कि आसलम फिज़िकली स्ट्रॉन्ग आदमी है, बहादुर भी हैं। तो हज़रत हमज़ा को लगा कि देखो एक बंदा बहादुर भी है, फिज़िकली अगले अबू जहल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी था, मार भी सकता था उसको, लेकिन नहीं उसने मारा, क्या वजह है? तो कहते उसको ये दिल को ये बात लगी कि शायद इसके पीछे कोई तालीम बाहर कोई स्ट्रॉन्ग तालीम है या किसी की तरबियत है जिसने उनको जवाब देने से रोक दिया। तो इसका इस वाक़े का ताल्लुक हज़रत मुस्लिम ने स्पोर्ट्स के साथ बहुत ज़्यादा गहरा बयान किया। इस्लाम को बचाए खुद्दाम अहमदियत, खुद्दाम अहमदियत, खुद्दाम अहमदियत।